मुफ्त का खाना खाने आए दो नशेड़ियों ने एक 65 वर्षीय वेटर को नुकीली चीज से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। घटना ओल्ड फरदाबाद इलाके की है। पुलिस के मुताबिक वेटर की हत्या के मामले में दो आरोपियों को मात्र 6 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल ओल्ड फरदाबाद में स्थित अग्रवाल धर्मशाला में एक शादी समारोह में देर रात एक बुजुर्ग वेटर की हत्या कर दी गई थी। पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रहे इन दोनों युवकों पर आरोप है कि यह देर रात ओल्ड फरदाबाद इलाके की अग्रवाल धर्मशाला में एक शादी समारोह में घुसकर मुफ्त का खाना खा रहे थे। वहां अचानक उस समय हड़कंप मच गया जब पता चला कि समारोह के दौरान किसी ने वेटर की हत्या कर दी है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जाँच शुरू कर दी। पूछताछ के दौरान पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गौरव और सोनू नाम के ये दोनों आरोपी नशा करने के बाद पार्टी में घुसकर खाना खाने के आदि हैं। देर रात भी इसी तरह ये कार्यक्रम में शामिल हुए और फिर यह वेटर की चादर को लेकर वहां से निकलने लगे। इसी को लेकर गर्मा गर्मी हुई और फिर इन्होंने वेटर राम प्रसाद की लोहे की एक पत्ती से हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक ये आरोपी पहले भी चोरी की वारदातों में जेल जा चुके हैं। पकड़े हैं पुलिस ने, क्या है सारा मामला? कल रात को ओल्ड फरीदाबाद के अग्रवाल धर्मशाला में मुकेश गुप्ता जी हैं पल्ला से, उनकी बेटी की शादी थी। डबुआ से बारात आई हुई थी, वहाँ पे जो एक वेटर था राम सुभाग्य प्रसाद, जो पीछे से बिहार के रहने वाले थे, काफ़ी साल से यहीं रह रहे थे, तो वो वहाँ वेटर का काम कर रहे थे। तो किसी ने तेजनुमा हथियार से उनकी हत्या कर दी थी, जिसके ऊपर इन्फॉर्मेशन आने के बाद उचित धाराओं के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया और सीपी साहब फरीदाबाद और डीसीपी क्राइम के दिशा निर्देश में काम करते हुए इस ब्लाइंड मर्डर को करीबन 6 घंटे के अंदर प्रबंधक थाना ओल्ड इंस्पेक्टर दिनेश व क्राइम ब्रांच सेक्टर 85 की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इसको 5-6 घंटे के अंदर ट्रेस करने में कामयाबी हासिल की। सर, किस बात को लेकर के इस तरीके का कदम उठाया गया और जो हथियार इस्तेमाल किया गया, बताया जा रहा है कि लोहे की पत्ती है, जी जी, को लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? ये आवारा टाइप के लड़के हैं जो अरेस्ट किए हैं अब तक, गौरव और सोनू। इनका काम ही ये है, ये इस धर्मशाला के आसपास ही रहते हैं, कोई शादी या कोई फंक्शन का प्रोग्राम होता है तो बगैर बुलाए ये वहाँ पहुँच जाते हैं, खाना वगैरह खाते हैं और निकल जाते हैं। कल भी इन्होंने वहाँ बगैर बुलाए पहुँचे हैं, खाना खाया है, उसके बाद ये जो वेटर है मृतक है, ये वहाँ झूठी प्लेट साफ कर रहा था, तो इसने अपनी चादर थी वो साइड में रखी हुई थी, तो ये प्लेट रखी इन्होंने, उसके बाद इसकी चादर को लेके चल पड़े। इसने इनको कहा, टोका टोकी की, इसके ऊपर इनकी घास हुई हो गई और वहाँ आसपास ही पड़ी हुई एक लोहे की पत्ती थी जिससे इन्होंने वार किया, जिससे ये वेटर थे एक्सपायर हो गए। सर, जिस तरीके से जो दोनों आरोपी हैं, क्या पहले भी इस तरीके का कोई काम कर चुके हैं या फिर पहली बार किया है? नहीं, ये आरोपी किसी संगीन अपराध में तो पहले नहीं आए हैं, लेकिन गौरव के ऊपर पहले 3-4 चोरी के मुकदमे दर्ज हैं, अभी करीबन 1 महीना पहले ये जेल से बाहर आया है, और सोनू के ऊपर भी 1 चोरी का मुकदमा दर्ज है। सर, जिस तरीके दोनों की उम्र कितनी है और ये क्या उसी इलाके से रहने वाले हैं और मृतक कहाँ का है? मृतक बिहार का रहने वाला है और ये जो अपराधी हैं, गौरव की उम्र 19 साल है, सोनू की 22 साल है और ये शास्त्री कॉलोनी ओल्ड फरीदाबाद के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? अभी इनको गिरफ्तार किया गया है, कोर्ट में पेश करके रिमांड लिया जाएगा और गहनता से पूछताछ करी जाएगी। अगर किसी की और की इन्वॉल्वमेंट आती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पकड़े हैं पुलिस ने, क्या है सारा मामला? सर, कल रात को ओल्ड फरीदाबाद के अग्रवाल धर्मशाला में मुकेश गुप्ता जी हैं पल्ला से, उनकी बेटी की शादी थी। डबुआ से बारात आई हुई थी, वहाँ पे जो एक वेटर था राम सुभाग्य प्रसाद, जो पीछे से बिहार के रहने वाले थे, काफ़ी साल से यहीं रह रहे थे, तो वो वहाँ वेटर का काम कर रहे थे, तो किसी ने तेजनुमा हथियार से उनकी हत्या कर दी थी, जिसके ऊपर इन्फॉर्मेशन आने के बाद उचित धाराओं के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया और सीपी साहब फरीदाबाद और डीसीपी क्राइम के दिशा निर्देश में काम करते हुए इस ब्लाइंड मर्डर को करीबन 6 घंटे के अंदर प्रबंधक थाना ओल्ड इंस्पेक्टर दिनेश व क्राइम ब्रांच सेक्टर 85 की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इसको 5-6 घंटे के अंदर ट्रेस करने में कामयाबी हासिल की। सर, किस बात को लेकर के इस तरीके का कदम उठाया गया और जो हथियार इस्तेमाल किया गया, बताया जा रहा है कि लोहे की पत्ती है, जी जी, को लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? ये आवारा टाइप के लड़के हैं जो अरेस्ट किए हैं अब तक, गौरव और सोनू। इनका काम ही ये है, ये इस धर्मशाला के आसपास ही रहते हैं, कोई शादी या कोई फंक्शन का प्रोग्राम होता है तो बगैर बुलाए ये वहाँ पहुँच जाते हैं, खाना वगैरह खाते हैं और निकल जाते हैं। कल भी इन्होंने वहाँ बगैर बुलाए पहुँचे हैं, खाना खाया है, उसके बाद ये जो वेटर है मृतक है, ये वहाँ झूठी प्लेट साफ कर रहा था, तो इसने अपनी चादर थी वो साइड में रखी हुई थी, तो ये प्लेट रखी इन्होंने, उसके बाद इसकी चादर को लेके चल पड़े। इसने इनको कहा, टोका टोकी की, इसके ऊपर इनकी घास हुई हो गई और वहाँ आसपास ही पड़ी हुई एक लोहे की
पत्ती थी जिससे इन्होंने वार किया, जिससे ये वेटर थे एक्सपायर हो गए। सर जिस तरीके से जो दोनों आरोपी हैं, क्या पहले भी इस तरीके का कोई काम कर चुके हैं या फिर पहली बार किया है? नहीं, ये आरोपी किसी संगीन अपराध में तो पहले नहीं आए हैं, लेकिन गौरव के ऊपर पहले 3-4 चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। अभी करीबन 1 महीना पहले ये जेल से बाहर आया है और सोनू के ऊपर भी 1 चोरी का मुकदमा दर्ज है। सर जिस तरीके दोनों की उम्र कितनी है और ये क्या उसी इलाके से रहने वाले हैं और मृतक कहाँ का है? मृतक बिहार का रहने वाला है और ये जो अपराधी हैं, गौरव की उम्र 19 साल है, सोनू के 22 साल है और ये शास्त्री कॉलोनी ओल्ड फरीदाबाद के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? अभी इनको गिरफ्तार किया गया है, कोर्ट में पेश करके रिमांड लिया जाएगा और गहनता से पूछताछ करी जाएगी। अगर किसी और की इन्वॉल्वमेंट आती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, मैं रवि कुमार मीणा और आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी इंडिया। सर्वोदय टीवी इंडिया को आप सभी दर्शकों का बेहद प्यार मिल रहा है। ऐसे में सर्वोदय टीवी इंडिया आपके क्षेत्र का सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल है। ऐसे में आपके क्षेत्र का सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल बनने के लिए आप सभी दर्शकों का सर्वोदय टीवी परिवार सदा ऋणी रहेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।